फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन स्टडी। सो फ्रेंड्स ये वीडियो है ये बुक और उसके ऑथर के बारे में है और इसका एक फर्स्ट पार्ट जो पहले बन चुका है उसको जो नहीं देखे हैं वो देख के आइए। उनमें जो हमने इंडियन राइटर्स के बारे में डिस्कस किया था और इसमें जो हम लोग बात करेंगे फॉरेन राइटर्स के बारे में। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है जो घंटा है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आगे फर्दर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सकें, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड करने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्क ट्वेन की, ठीक है। इनके कुछ बुक के नाम जो है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, बाकी आप देख लीजिएगा मिस्टीरियस स्ट्रेंजर वगैरह है, अलेक्जेंडर दुमस है, फिर एलन आरएल स्टीवेंसन है, चार्ल्स डिकन, ये इंपॉर्टेंट राइटर है मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट और पिकवाइज पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाए हुए हैं। इनका जो बुक है रोमियो एंड जूलियट जिसको पूरा दुनिया जानता है, काफ़ी अच्छा इसमें लव स्टोरी है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, इसमें गुलिवर्स ट्रेवल्स के रचयिता हैं। लेविस कैरोल, रुद्यार्थ किपलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जो जंगल बुक का या मुगली सुने होंगे, इस पर फिल्म भी बना हुआ है, तो ये जो स्टोरी ली गई है स्टोरी इसी बुक पे बेस्ड है। लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी, रस्किन बॉन्ड, जेन ऑस्टिन, पर्लेस बर्क, चार्लोटे ब्रोंटे, देख लीजिए, ठीक है। तो उस वीडियो में इतना ही मतलब राइटर थे, ज़रा फॉरेन राइटर आप लोगों को याद नहीं करना है, बेसिकली आपको मोस्ट ऑफ द राइटर अब जो आपको याद करने वो इंडियन राइटर्स ही है, इसलिए आप लोगों को याद करना भी थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आगे ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।